भिंड शहर के बीचों बीच धनवंतरी कॉम्प्लेक्स जहां लाखों रुपए का व्यवसाय होता है, वहीं बात की जाए इस बिल्डिंग की तो जगह जगह देखरेख के अभाव में ये जर्जर हो चुकी है। इस और अभी तक मरम्मत के लिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। धनवंतरी कॉम्प्लेक्स स्वास्थ्य विभाग की जगह में बनवाया गया था। इससे स्वास्थ्य विभाग को लाखों रुपए का मुनाफा होता है, लेकिन अब ये बिल्डिंग देखरेख के अभाव में दुर्दशा का शिकार हो रही है। दीवारों पर कई जगह पीपल जैसे पेड़ उगाए हैं। इन पेड़ों की वजह से दीवारों में दरारें आ गई, जैसे कभी कोई भी हादसा हो सकता है। धनवंतरी कॉम्प्लेक्स में 100 से अधिक दुकानें हैं और लगभग एक दर्जन आवासीय फ्लैट हैं, मगर अभी तक रंगाई पुताई से लेकर कोई भी रखरखाव यहाँ पर नहीं किया गया। इस संबंध में जब जिला CMHO अजीत मिश्रा से बात की तो उन्होंने कहा कि दुकानदारों पर 25 से 30 लाख रुपए बकाया है। ये बात सही है, जल्द ही टीम गठित कर जो बकाया है उसे वसूल कर जल्द ही धनवंतरी कॉम्प्लेक्स में मरम्मत का कार्य शुरू करा दिया जाएगा। हम इसी हफ्ते में जो हमारे व्यापारी वर्ग जिनको हमने दुकानें किराए पर दी हैं उन पर करीब 25 से 30 लाख रुपया बकाया है जी। उनकी हम एक लाइन लिस्टिंग सिविल सर्जन के माध्यम से बनवा रहे हैं और हम अगले 15 दिन में वो पैसा उन व्यापारियों से जमा कराएंगे, उनके साथ एक बैठक करेंगे और जितना भी जीर्णोद्धार का काम है धनवंतरी कॉम्प्लेक्स के अंदर हम एक महीने के अंदर उसको कराने का प्रयास करेंगे।